नमस्कार दोस्तों, आज हम बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से पिज़्ज़ा बनाएंगे, जिसके लिए इंस्टेंट पिज़्ज़ा होगा ये, इसलिए मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ले लिया है। कैप्सिकम ले ली है मैंने, ग्रीन, रेड और येलो। स्वीट कॉर्न है और टमाटर है, जिसका मैंने पल्प हटा लिया है। इधर ओरिगेनो लिया है, थोड़ा नॉर्मल सॉल्ट है, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स ली है। चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। मैंने ये तीन तरह की चीज़ ली है, चीज़ स्लाइस है और डाइस चीज़ है, मोजरेला चीज़ डाल सकती हैं। इधर पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है। पिज़्ज़ा हम माइक्रोवेव में ना बनाकर तवे पर बनाएंगे, पैन में या तवे पर। उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और जितनी भी सब्जियां हैं हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ मशरूम ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं, बच्चों का जैसा टेस्ट है वैसे सब्जियां लीजिए। थोड़ा भून लेंगे हम इन्हें, बिल्कुल हल्का सा सोते करना है हमने, क्योंकि हम तवे पर बना रहे हैं और तवे पर पिज़्ज़ा हमारा एक साइड से सिकेगा, सब्जियां टॉप पे होंगी जो नहीं सिक पाएंगी, इसलिए हल्का सा हम सब्जियों को पका लेंगे। इसी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ी चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगैनो डाल देंगे और ब्लैक पेपर भी डाल देंगे। सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, बिल्कुल हल्की सी सोतई की है मैंने। थोड़ा प्याज भी डाल दिया है, आपके बच्चों का टेस्ट है तो डालिए। अब गैस को बंद कर दीजिए। तवे को हम चिकना कर लेंगे, फैला देंगे। बेस को ऊपर रख देंगे अब हम, और पिज़्ज़ा सॉस इस पर फैला देंगे। ऊपर से डाइस चीज़ फैला देंगे। डाइस चीज़ मैंने फैला दिया है। अब जो सब्जियां हमने तैयार करके रखी हैं उसे भी इस पर फैला देंगे, साथ साथ ओरिगैनो डाल देंगे, थोड़ी चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। चीज़ मेल्ट हो गया है और इसका बेस भी नीचे से चेक कर लेंगे हम, पक चुका है बेस भी। गैस को बंद करेंगे, पिज़्ज़ा को कट कर लेंगे हम। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। ये देखिए, चीज़ मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह और नीचे से बिल्कुल खस्ता बना है और ऊपर से सॉफ्ट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।